हालत नाजुक है। अगर इनकी जान पर कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं तो एक मिनट की भी देर करे बगैर जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। अस्पताल क्यों? घर में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो एक हॉस्पिटल में मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन लेकिन मासा को बताए बिना हम भाभी साहब को अस्पताल कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए दो जिंदगियों का सवाल है, मासा और भाई साहब घर पर नहीं है तो हमें कुछ करना होगा ना। तो ठीक कह रही है सुमित्रा, लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे सोच विचार करने में समय निकल गया और चमना चीची के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या वो सही होगा? भैरव जी, देर करना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें डॉक्टर साहब। और भाई साहब आएंगे ना तो तू उनसे कह देना कि हम लोग तेरी ताई जी को लेकर अस्पताल गए, बोल देगा ना तू? की बात टालने की कसम खा रखी है कि तूने भैरव उससे भी बड़ा हो गया, फिर घरवाली के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रही तेरी? मां सब भाभी सा दर्द से छटपटा रही हैं। आप जाइए यहां से। मासा, डॉक्टर साहब का कहना है कि भाभी साहब को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। कोई कहीं नहीं जाएगा भैरव, अपनी बहू का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं कराना हमारे को। अरे इनकी जान को खतरा है। आप क्या भगवान हो है? अरे हमारी बहू के नसीब में होगा तो आपके बिना भी बच जाएगी, है कि नहीं? और जो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये तो बावरे हैं जो आपको बुला लिया, अब मैं आ गई हूँ, हरा बड़ा लड़का आ गया है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अरे इन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। हमारी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, सुन लिया? अब आप जाओ यहाँ से, जाओ। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब, अपमान नहीं करना चाहते हम आपका, लेकिन अगर आप इसी तरह अपनी बात पर अड़े रहे ना तो धक्के मार के निकाल देंगे आपको यहाँ से। कदम घर से बाहर निकाल ही नहीं कि अपनी मनमानी करने की आजादी मिल गई तुम दोनों। चम्मा बिंदड़ी, अरे तू चल अंदर चल। अरे इनकी बात मत सुन, कुछ ना आए इन्हें।
से बच्चा जनने वाली तो कोई पहली औरत थोड़ी है। चल 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 अंदर चल के आराम कर, ले जाना इसे अंदर। चल चल नैन मटक्का बाद में कर लेना, पहले से अंदर ले जा। सुगना मुंह मत देख, फौरन जा, जाके मीठी दाई को बुला के ला, जल्दी कर जल्दी। अरे बेटा आनंदी, तू क्या कर रही है यहाँ? माँ बाबू का इंतजार कर रही हूँ। जीत सर की बस आई क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आती होगी। हाँ? कितनी देर लगा दी माँ बापू ने, बस भी खटारा होगी, खटर खटर चल रही होगी। साथ खेलने भी कोई नहीं आया, ना फूली ना चंपा, भूख भी लगी है, क्या करूं? चंपा तो अपने घर में ही होगी, उसके पास चली जाती हूँ। चल अंकल, पूरे गांव में ना कटा के रख दी छोरी ने, अब क्या अपने माँ बाप की जान लेकर रहेगी तू? अरे कहाँ घूमने जा रही थी? तेरे ससुराल वालों को तेरे लक्षण के बारे में पता चल गया है, और किसी ने तुझे सपंगे के साथ देख लिया है। खबर मिली है तेरा गौना करने से मना कर देंगे वो लोग। अच्छा ही हुआ मुझे वहां जाना ही नहीं था। जहर ला दे मुझे और खुद भी जहर खा दे। कल मुही जब देखो झूठ बोलती थी मुझसे, और आज भी तू उससे मिलने जा रही थी ना, अगर मैंने देखा ना होता तो कहीं बैठी रहती उसके साथ। अब देखती हूँ कि घर से बाहर पाँव तू कैसे रखती है। अब से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। काकी थोड़ी दही दो ना, मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं, रोटी किसके साथ खाऊं? रुक देती हूँ। काकी चंपा कहाँ है? क्यों ऐसे ही? अब वो किसी से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी। तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, जा तू अब। आनंदी आनंदी सुन, इधर। तेरी अम्मा ने ऐसा क्यों बोला कि? धीरे बोल, अम्मा ने सुने तो और मारेगी मुझे। काकी ने मारा? तुम ये देख कितना दर्द हो रहा है। हाँ क्यों मारती है वो तुझे? सौतेली है ना, भगवती काकी की तरह सगी माँ तो है नहीं जो बेटी को प्यार करेगी। माँ को भी दो तीन बार सौतेली कहते सुना, क्या होता है सौतेली? बहुत बुरा, तू वो सब छोड़। देख अम्मा ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है और बाहर जाने से मना किया है, तो तू मेरा एक काम करेगी? क्या? ललन को बुला के ले आएगी क्या? इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं। अरे दूर का है, वो सूखे तालाब के पीछे ही तो वो। पर तेरा सासे तो कितनी दूर है यहाँ से। अरे मेरा घर वाला नहीं रे। तो तू ही तो उसे ललन बुलाती है ना? हाँ लेकिन ये ललन दूसरा है, वो अनंतराम हलवाई है ना, उसका छोरा। उसका भी नाम ललन है? हाँ
उससे तेरा क्या काम? अरे शादी तो पढ़ते थे हम दोनों, तब की दोस्ती है हमारी, ब्याह के बाद दोस्ती कम हो गई। उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठे किताब पढ़ रहा था तो मैंने मजाक में उसे किताब छीन ली, वो ही वापस करने जा रही थी तो माँ ने देख लिया और बहुत पिटाई की मेरी। उसमें पिटाई करने की क्या बात? वही तो, माँ को मेरा लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? पहले तो हम सब छोरे छोरियाँ एक साथ खेलते थे, बात भी करते थे, तो अब क्यों नहीं? पता नहीं, वो तो माँ ही जाने। बेचारे ललन की परीक्षा है और अगर उसे किताब नहीं मिली तो वो फेल हो जाएगा, आप तो मुझे लगेगा ना आनंदी। हाँ सच्ची बात है, मेरे कारण ललन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर माँ है कि कुछ समझती नहीं आनंदी। तो रो मत चंपा। आनंदी मेरे लिए इतना सा काम कर दे, तू ललन को बुला कर लिया, तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली है ना। पर मैं उसे बुला के क्यों लाऊं? मैं ही जाके किताब दे दी। अरे नहीं नहीं आनंदी, देख किताब तो मैं ही लाई हूँ ना, तू मुझे ही वापस करनी चाहिए और फिर उससे माफी भी तो मांगनी है, कितने दिन की पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा बेचारे का। हाँ पर तेरी माँ उसे देख लेगी तो और मारेगी तुझे। अरे यहाँ थोड़ी ना मिलूंगी उससे, तो जंगल में कैसे भी चली जाऊंगी। जंगल में इतनी रात? ना बाबा ना। तो फिर क्या करूँ, तू ही बोल। मेरे घर आ जाओ। अरे तेरे घर नहीं, माँ बापू होंगे ना तेरे? नहीं है, मेरे सासरे गए हैं, और अगर वो आ भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरी माँ और बापू बहुत अच्छे हैं, और पता है वो सौतेले भी नहीं है। तू आ जा, मैं ललन को बुला लाती हूँ, तू उसे किताब भी दे देना और माफी भी मांग लेना। ठीक है अब तू जा। काकी वो आनंदी के घर पे जा रही हूँ। और ये पोटली में क्या है? वो आनंदी के कपड़े उसके सासरे से आए थे ना, उसी पे गोटा लगाने के लिए मेरे घर पे लाई थी, वो भूल गई थी तो देने जा रही हूँ। तो काकी मैं जाऊँ अब? हाँ जा। खाना खा ले।